हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाभी भाभी सॉरी भाभी, मुझे मुझे जैसे ही पता चला ना आप आप यहाँ अपने घर पे अपने मायके पे आए हो ना, मैं आपसे मिलने यहाँ आ गई भाभी, प्लीज 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 प्लीज। देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ, बट बिलीव मी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया कि मैंने तुमसे बात की है या फिर तुम यहाँ मुझसे मेरे मायके में मिलने आई हो, रचना वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। भाभी प्लीज प्लीज भाभी आप तो मुझे समझो भाभी प्लीज मेरी थोड़ी सी तो बात समझो भाभी। हेलो अमृता, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अमृता, वहां पर रचना आई है क्या? रचना? नहीं तो रचना तो यहाँ पर नहीं आई। अगर रचना है तो उसे पैसे मत देना और वहां से भेज देना। जी बाय। प्लीज भाभी प्लीज 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 भाभी प्लीज ना प्लीज। देखो I'm so sorry. देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। आज मैंने तुम्हारे भैया को झूठ बोला है, बार बार नहीं बोल सकती रचना। प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज भाभी प्लीज चली जाओ रचना, प्लीज माफ कर दो मुझे। आपकी कोई गलती नहीं भाभी, मैं चली जाऊंगी। कहिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम, असल में हम एक सर्वे कर रहे हैं। आपने जिस कंपनी का टीवी लिया है ना, बस उसके बारे में हम कुछ आसान से सवाल पूछेंगे और आपको उसके जवाब देंगे। लेकिन मुझे और हाँ मैडम, अगर आप अपनी टीवी के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो बदले में हम आपकी टीवी अपने कंपनी की न्यू टीवी के साथ रिप्लेस कर देंगे। जी बिल्कुल सही कह रही है ये। आप बैठे रहे यहाँ पर, प्लीज प्लीज आइए ना, बस दो मिनट लीजिए। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे आप बैठिए प्लीज। देखिए मैं बताता हूँ, ये हमारी कंपनी के लेटेस्ट मॉडल्स, आप इसमें से कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। वन सेकंड, मुझे आपकी कंपनी का टीवी नहीं चाहिए, इज दैट क्लियर? देखिए देखिए आप गलत समझ रहे हैं। अगर आप ये सोचिए कि इन सब बातों से हमसे पैसे मांगने पर मांगने वाले तो नहीं, तो नहीं, तो नहीं, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेते। इतनी सैड और उदास हो, क्या हुआ बेबी? कुनाल, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या? तुम कुनाल की गर्लफ्रेंड होकर पैसों के लिए परेशान हो? बताओ कितने पैसे चाहिए? 5 लाख चाहिए। दोगे? बस 5 लाख डालें। 5 क्या, तुम 10 लाख ले रहे हो। 10 लाख? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ये लो, कल घर आ जाना।
तुम्हारे घर, पर तुम्हारी वाइफ अमृता घर पर होगी ना? डालिंग, अमृता अपने मायके गई हुई, तो तुम फिक्र मत करो। और हाँ, कल शायद मैं घर पर नहीं रहूँगा, मुझे थोड़ा काम है, तो मैं घर पर देरी से पहुँचूँगा। तब तक तुम मेरा घर पर वेट करना, ठीक है? अरे अमृता जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या हुआ भाई साहब? ये दरवाजा पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा, और आप थोड़ी सी मदद कर देंगे प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं छवि, एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ। मैडम चाबी तो घूम रही है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा, लगता है धक्का देकर खोलना पड़ेगा। खून? हाँ? खून? ये सारा सामान भी बिखरा हुआ, ये चप्पल, ये मेरे तो नहीं है। चलो ऊपर चल के देखते हैं। हाँ हाँ, मैं कुनाल को फोन करती हूँ। कुछ कुछ ये कुनाल का नंबर क्यों नहीं लगा? आप इधर आइए, दरवाजा अंदर से बंद है, जरूर अंदर कोई छिपकर बैठा हुआ है। खोलो दरवाजा, कौन है अंदर? लाश कहां पर? सर लाश ऊपर कमरे में है। देख, आपके घर का सीसीटीवी और रिकॉर्डर मिसिंग है, गेट से वॉचमैन गायब है, नौकर है आपके घर में? जी नौकर था, लेकिन कुणाल ने उसे निकाल दिया। वॉचमैन पता नहीं कहां है, क्योंकि मैं एक हफ्ते के बाद आज ही घर आई हूँ और मैंने ये सब देखा। मेरा कुनाल, ये आप लोगों ने कब देखा? सुबह जब अमृता जी आई तो ये दरवाजा नहीं खुल रहा था। क्यों, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा था? दरवाजा थोड़ा जाम हो गया था तो हमने धक्का मार कर खोला। तो मतलब कुनाल घर में अकेला था? छाती पे गोली मारी है। कुणाल घर में अकेला था,
पूर्वी, यहाँ पर जरूर कोई आया था। हाँ सर, और चोरी करने लगा। कुणाल ने उसे देख लिया होगा, इसलिए शायद चोर ने कुणाल का खून कर दिया। अमृता जी, ये चप्पल किसकी है? क्या आपकी? नहीं सर, ये मेरी चप्पल नहीं है। ये आपकी चप्पल नहीं है? फिर पूर्वी, ये चप्पल शायद उसी की है जिसने चोरी भी की है और खून भी किया है। चोरी करके भाग रही होगी, कुणाल ने देख लिया होगा तो कुणाल को मार डाला, और फिर भागते वक्त यहाँ इस कारपेट में चप्पल फंस गई, चप्पल यहीं पर गिर गई और वो यहाँ से भाग गई। और सर, हाँ, वो खून जमीन पर भी है और दीवार पर भी, और इस टूटे हुए वास को देखकर लगता है कि यहाँ पर हाथापाई हुई थी। अमृता जी, ये आपका ये वास यहाँ कहाँ रखी थी आप? कहाँ पर? जी वहाँ। इसका मतलब पूर्वी, जिसने भी ये किया ना, उसने ये वास वहां से उठाकर यहाँ कुणाल को मारा होगा। बहुत बड़ी जख्म हो गई तो खून यहाँ दीवार पर भी उड़ा और जमीन पर भी गिरा। इसके हाथों पे खरोंच के निशान है, हाथापाई हुई है। इसके अलावा शरीर पे कोई और निशान दिख नहीं रहा है। लॉकर में से भी चोरी हुई है ना? कहां पर है लॉकर? सर, उस तरफ। लाश को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। अमृता जी, ये चाबी किसकी है? मेरा मतलब है, काहे की चाबी है ये? सर, कुणाल के पास एक डुप्लीकेट की थी घर की, हो सकता है ये वही चाबी हो। पूर्वी, जरा चेक करो तो, देखो जरा। सर, आते हैं। लगता है घर में चोरी करने के इरादे से घुसा होगा। इस कुणाल ने पकड़ने की कोशिश की, पकड़े जाने के डर से चोर ने कुणाल की हत्या कर दी। लगता तो वैसे ही है दया, बिल्कुल वैसे ही लगता है। सर, हाँ, ये चाबी मेन डोर की है। ये लो, मेन डोर की चाबी। दया, मजे की बात ये है, यहाँ इस कमरे में दीवार पर खून है और जमीन पर भी, पर कुणाल की लाश ऊपर वाले बेडरूम में। कुणाल की मेन डोर की चाबी हमें यहां इस सोफे के नीचे फंसी हुई मिलती है। यहां पर किसी अनजान स्त्री की चप्पल मिलती है और घर के लॉकर में से पैसा गायब होता है, ज्वेलरी गायब होती है। कौन कौन हो सकता है? किसने किया होगा ये? सबूतों को देखकर तो ऐसे लगता है कि एक से ज्यादा केसेस हैं। चोरी हुई पहले, कुणाल का खून हुआ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कुणाल का खून हुआ हॉल में, हॉल में खून के दाग भी हैं, दीवार पर भी हैं, और उसकी बॉडी मिली ऊपर वाले कमरे में। तो लाश को हॉल से लेकर ऊपर ले जाने तक बीच में कई तो खून के दाग मिलने चाहिए, कई तो खून के छींटे होने चाहिए। मतलब साफ है सर कि हॉल में किसी दूसरे आदमी का भी खून हुआ है, लेकिन किसका है तो अजीब सा। कोई आता है, कुणाल का खून करता है,
चोरी भी करता है, फूलदान फेंक के किसी आदमी को हॉल में मारता भी है और फिर निकल जाता है या निकल जाती है। एक तरीका है, एक काम करो सर, जिस वक्त कुणाल का खून हुआ पता लगाओ उस वक्त उसके घर के आसपास वाले इलाके में कौन से फोन नंबर्स एक्टिव थे। आसांगे, इतने सारे सुराग लाकर दिए, तुझे कुछ काम किया? हाँ किया ना। क्या तुम्हारी कहानी में कितने किरदार हैं उनका पता लगा? अरे तो फिर बता ना। ये पहला किरदार, ये कुणाल, इसे कोई चोट लगी ही नहीं, सिर्फ एक गोली लगी दिल में और मौत हो गई। बॉस, इसकी मौत हुई है सवेरे 10 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच में। और वो जो लिविंग रूम में जो जमीन पर और दीवार पर जो खून के धब्बे थे, रिपोर्ट ये बताती है कि वो खून कुणाल का नहीं है। और दूसरा किरदार? बताता हूं। इस चप्पल को देख करके इसे पहनने वाली लड़की के बारे में पता लगाया जा सकता है, उसका पैर कैसा है। चप्पल पर लगे पसीने के डीएनए के मुताबिक लड़की की उम्र 22 साल है। और तीसरा किरदार भी एक लड़की का ही है, जिसके फिंगरप्रिंट ऑयल हमें इस चाबी पे मिले, और इस लड़की की उम्र 25 से 30 साल की है। और उस दीवार पे और जमीन पे जो खून था, ये उस चाबी वाली लड़की का ही है। और इस टूटे हुए वास के बारे में कुछ? इस वास पे एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मतलब कुणाल की इस खून की कहानी में तीन किरदार हैं, दो लड़कियां और एक आदमी। एक लड़की 22 साल की उम्र की चप्पल वाली, दूसरी लड़की 25 से 30 साल की उम्र की चाबी वाली, और तीसरा है आदमी जिसके उंगलियों के निशान इस टूटे हुए फ्लावर वाज पर है। अब पता लगाना पड़ेगा कुणाल की इस खून की कहानी में किसने कौन सा किरदार निभाया। आप रेडी? कुछ पता चला? हाँ सर, उस दिन बी ब्लॉक कुमार लेन में कितने सेलफोन एक्टिव थे उसकी डिटेल हम लोग देख सकते हैं। ये देखो कुणाल का फोन नंबर, रात के 2 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक कुणाल की जब बॉडी मिली तब तक ये फोन एक्टिव था उस इलाके में। कुणाल के घर के करीब 3 किलोमीटर के दायरे में 50 फोन एक्टिव थे सर। सर इन 50 एक्टिव नंबर को कुणाल के कॉन्टैक्ट लिस्ट से मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा। हाँ पूर्वी देखो जरा। मिल गया, नंबर है 0654211109। इसका नाम शाइना है। शाइना? तो मतलब ये शाइना वहां पर थी जब कुणाल का खून हुआ। है कौन ये शाइना और वहां क्या करने गई थी, खून या चोरी? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आप लोग? हम लोग CID से हैं। CID? क्या हुआ? कुणाल का खून हो गया। कुणाल? आपको तो पता ही होगा, आप उसी के साथ थी ना। कुणाल का खून हो गया? जी हाँ, और ये चोट भी आपको कुणाल के घर पे ही लगी है ना, फ्लावर वाज से। जी सर, उसने मुझे अपने घर पे बुलाया, मैं वेट कर रही थी पर वो आया नहीं, और कुछ देर बाद अचानक से बेल बजी और दो लोग अंदर आ गए। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, आप लोग कौन? जी हम ओल्ड एज होम से आए, उनके लिए चंदा इकट्ठा करते। जी हम चंदा अंदा नहीं देते, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। मैडम एक मिनट हमारी बात तो सुनिए। ठीक है आप चंदा मत दीजिएगा, लेकिन हम जो आपसे कहना चाहते हैं आप वो तो सुन लीजिए। प्लीज बैठिए ना, मैं बताती हूँ आपको, बैठिए। चंदा मांगने के अलावा और क्या बात करनी है आपको? देखिए मैडम, देखिए मैडम, हमें आपसे कोई चंदा नहीं चाहिए, हम बस हमारी बात आप तक पहुँचा।
उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कुणाल मर गया है। और जब मुझे वापस होश आया तो मैंने देखा वो लड़की लॉकर में कोट डालकर। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे चलो चलो भागो यहाँ से। छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो। कौन से? सर उसने लॉकर तोड़ा नहीं। मतलब कुणाल के घर के किसी आदमी ने चोरी करवाई है। कुणाल की बीवी के बारे में क्या जानते हैं आप? क्या कुणाल की गर्लफ्रेंड थी? जी हाँ, शायना नाम है उसका। जब आप अपने मायके में थी तो शायना वहां आपके पति के साथ मौजूद थी। अफसोस से इन बातों का जिक्र हमें कुणाल के मरने के बाद करना पड़ रहा है, लेकिन ये बातें बहुत जरूरी है क्योंकि जब कुणाल का खून हुआ और घर में चोरी हुई तो शायना वहां मौजूद थी और उसने उन दोनों चोरों को देखा है। वो चोर कौन थे वो तो अभी तक पता नहीं चला। शायना को उन लोगों ने हिप्नोटाइज करके सम्मोहित करके चोरी की है। तो देखा ये है वो दो। सर ये दोनों तो यहां पर भी आए थे। कुणाल की मौत से ठीक एक दिन पहले जब मुझे होश आया तब मेरा लॉकर खाली था। मैं कुणाल के खून से इतनी डिस्टर्ब थी कि उस वक्त आप लोगों को ये बात नहीं बता पाई। लेकिन सर ये दोनों वहां कैसे पहुंचे? आपके घर के सारे लॉकर्स कोट डाल के खोले गए। इसका मतलब यही है कि इस सब में आपके घर का ही कोई आदमी शामिल है। लेकिन हमने तो पासवर्ड कभी किसी को नहीं बताया। उसे जरूर पता होगा। उसे? उसे किसे? रचना को। कुणाल की कजन सिस्टर है वो। उसे जरूर पता होगा। प्लीज प्लीज कुछ कर दो। प्लीज प्लीज मामी प्लीज प्लीज भैया से बात करो। मैं कहाँ जाऊँ? मैं सिर्फ तुम्हें नहीं मालूम। रचना हमारे साथ रहती थी लेकिन एक महीना पहले कुणाल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। घर से निकाल दिया? क्यों? क्योंकि उसे नशे की बुरी लत लग गई थी और कुणाल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था इसीलिए। मिलना पड़ेगा इस रचना से। आप जरा रचना की कोई फोटो दीजिए और फोन नंबर भी। कुणाल के घर के हॉल में और दीवार पर मिले खून के धब्बे इस शायना के हैं। शायना इंजेक्शन दे दिया है, धीरे धीरे नशे का असर उतर जाएगा। ओके, थैंक यू। मैं कहां हूं? तुम लोग कौन हो? ये कौन सी जगह है? ये सब सवाल पूछने से पहले बताता हूं, ये सीआईडी ब्यूरो है। लेकिन आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने अपने भाई कुणाल के घर पे चोरी की है और अपनी भाभी अमृता के घर में भी, और आपके साथ दो लोग और भी हैं। वो शायना ने जो स्केच बनवाया था दिखाओ जरा इनको। ये हैं वो दोनों, और जैसा हमें लगता है कि ये लोग हिप्नोटाइज करके लोगों को लूटते हैं और आप इनसे मिली हुई हैं।
नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है सर। तो फिर आपके भाई कुणाल के घर के लॉकर का कोड इन्हें कैसे मालूम था? आप इस घर की मेंबर हैं, कुणाल और अमृता के अलावा सिर्फ आप हैं जिसे इस कोड के बारे में मालूम है। एक और आदमी था जिसे जिसे इस बारे में पता था। कौन? केकड़ा नाम है उसका। केकड़ा? ये क्या चीज है? मतलब कौन है ये? सर, केकड़ा ड्रग सप्लाई करता है। मैं भी ड्रग्स उसी से लेती हूँ। केकड़ा का मुझ पर बहुत कर्जा था। नशे की हालत में उसने मुझसे लॉकर का कोड पूछ लिया। और ये दोनों? सर, ये दोनों केकड़ा के गैंग के मेंबर्स हैं। और लोगों को हिप्नोटाइज करके उनके घरों में चोरी करते हैं। केकड़ा कहाँ मिलेगा? माफ करना भाई, बिना अपॉइंटमेंट के सीआईडी तुमसे मिलने चली आई। सीआईडी? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। एकड़ा, ये दोनों तुम्हारे लिए काम करते हैं। तुमने इन दोनों को अमृता के घर भेजा था। ये लोग लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं। कभी कभी धंधा बड़ा डाउन होता है ना, तो अब लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमाते हैं। ये दोनों मेरे ही गैंग के, जोहन और रिंकी इनका नाम है, और रचना ने मुझे कुणाल के लॉकर का कोड बताया था। और तुमने इन दोनों से खून भी करवाया, कुणाल का? खून? कुणाल का खून? मैंने नहीं किया। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैंने तो सिर्फ चोरी करने के लिए भेजा था। कुणाल के घर से चोरी किया हुआ सारा माल मुझे देकर उन लोग चले गए। लेकिन अब कभी चोरी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अबे करेंगे, चोरी करवानी है उनको, फोन करो और बोलो एक चोरी और करनी है, समझे? और कहां चोरी करनी है वो हम बताएंगे। देखिए मैम, हम एक खून की तहकीकात कर रहे हैं। उसमें कुछ लोगों को सम्मोहित करके उनके पैसे और जेवर चुराए गए हैं। जी, आप एक नोटिस्ट हैं इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ, ताकि उन्हें पकड़ते वक्त हम हिप्नोटाइज ना हो जाए। सम्मोहनी विद्या का प्रयोग करने के लिए ज्यादातर आंखों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वो हिप्नोटाइज और सम्मोहित कर सके। अगर आप लोगों को इन चोरों से बचना है तो खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि हमें कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे आप लोगों को कोई भी सम्मोहित नहीं कर सकता। जब आपको ये आभास हो जाए कि कोई आपको सम्मोहित करना चाहता है तो खुद से कहिए कि मैं एकदम ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, आई एम ऑल राइट। बस फिर आपको कोई भी सम्मोहित या हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये तरीका है सोहन और रिंकी के सम्मोहन से बचने का। हाँ, कि वो हम जमा-जमा वॉशिंग पाउडर बेचने आए हैं। अरे मैडम सुनिए तो, एक बार यूज करने के बाद आपको साल भर हमारा ये पाउडर फ्री मिलेगा। हाँ जी, के बोलो, फ्री मिलोगे? अरे सुनते हैं, अरे कपड़ा साफ करने वाला पाउडर बेचने आए हैं, कह रहे हैं एक बार इस्तेमाल करने पे साल भर का मुफ्त में देंगे। क्या बोली? हाँ, मुफ्त में देंगे? हाँ। अरे तो छोड़ क्यों आई, ले आओ उनको। अरे भाई अंदर आओ, अरे आ जाओ अंदर आओ, अंदर आओ। मैडम आप बाल्टी में थोड़ा सा पानी तो लाइए। सर, अब हम आपको बताएंगे इस पाउडर का प्रयोग कैसे करना है। चलो जल्दी से सारे गहने अंगूठियां सब निकालो। जेवर, अंगूठी, कपड़े सब भाड़े के भाया।
हमारे पास तो पीसे भी नहीं है। अच्छा तो एक काम करो, घर पे जितना भी कैश है ना वो सब निकाल के यहाँ ले आओ। घर तो खाली है, घर में कुछ भी नहीं, घर भी भाड़े को है। ए यार, ये कहाँ कंगालों के घर भेज दिया हमें चोरी करने के लिए केकड़े ने। ओए, तुम दोनों, तुम दोनों अब जलते हुए कोयले पर खड़े हो, चलो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम लोग चिड़िया बन गए। अरे बस करो बस करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? आप लोग कौन है? घबराइए नहीं भाई साहब, हम तो सिर्फ ये पता करने आए थे कि वो 22 साल की चप्पल वाली लड़की कौन और वास फेंक के किसने मारा था। अभी सब क्लियर हो गया और हम लोग हिप्नोटाइज हुए ही। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारी आंखों में देखा ही नहीं। अरे अरे अरे, कहां भाग रहे, कहां भाग रहे, इतनी जल्दी भी क्या है? खून किया तुम लोगों ने, अब तुम दोनों की धुलाई होगी, वो भी इस चमाचम पाउडर से। सर, हमारा उस कुछ से कोई लेना देना नहीं है सर, अब तो बस लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं और उन्हें उन्हें लूट लेते हैं सर। हमारा बॉस है खेकड़ा, हम उसी के लिए काम करते हैं सर। हमारा यकीन मानिए सर, हमने कभी भी किसी का खून नहीं किया है। हाँ सर, हम कुणाल के घर पे चोरी करने ही गए थे, हमने सोचा था कि जो दरवाजा खुलेगा उस पर सम्मोहन करके घर का सारा पैसा और गहने लेकर चले जाएंगे। हाँ, चोरी करके निकलने ही वाले थे कि कुणाल ने तुम दोनों को रोक लिया होगा और तुम दोनों ने उसे रास्ते से हटा दिया। नहीं 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 सर, सर हम उसे रास्ते से तब हटाते ना कि जब वो जिंदा होता। सर वो तो पहले ही मर चुका था। ए, ए। अरे चलो चलो भागो यहां से। ए, छोड़ो सर। उसे इन दोनों ने नहीं मारा, फिर किसने मारा? सांके, ये चप्पल और तूने जो बताया ना कि ये 22 साल वाली लड़की का चप्पल है, वो लड़की, इन दोनों चीजों का हमारे केस के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। चोरी पकड़ी गई, चोर भी पकड़े गए, चोरी सॉल्व हो गई, पर खूनी और खून वही के वही है। ये चाबी, चप्पल, फूलदान, इनमें से कोई भी हमें खूनी तक पहुंचा नहीं पाया। हमने लोगों की गिरफ्तारी की लेकिन ये केस अभी भी ओपन ही है। अरे यार, तुम लोगों की तरह हम भी खूनी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी सबूत मिले ना उनको दोबारा से चेक किया है। फिर क्या, अभी भी ऐसा कुछ है बॉस मेरे पास जिसका जवाब तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो ये कब बताएगा? तारिका? यस सर, बस यही कुणाल के खूनी का पता हो सकता है। तो ये है वो? रिंकी और सोहन, सोहन और रिंकी, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई गन ही नहीं, पर हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करें? तुम्हें तो किसी ने देखा भी नहीं। क्यों? शायना जी, आप तो चोरी के वक्त वहां पे थी, फिर होश में आने के बाद वहां से चली गई, किसी को कुछ नहीं बताया है? सर, मैं कुणाल की गर्लफ्रेंड थी और मुझे अपनी इज्जत बचानी थी,
और उसकी बीवी कभी भी आ सकती थी। और तुम खेकड़ा, चोरी लूट नशे का धंधा, इतना बड़ा बिजनेस करते हो, गनमन तो रखते ही होंगे। ऐसा तो नहीं कि कुणाल को तुमने ही मार दिया? इस सोहन और रिंकी को कुणाल से बचाने के चक्कर में गोली चला दी, क्यों? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं चोरी लूटमार करवा सकता हूँ, लेकिन किसी का खून नहीं करवा सकता। वो जो वक्त आपने बताया कि खून हुआ था, उस वक्त मैं सलून में गया था बाल कटवाने। क्या हुआ सर? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ। मैंने कितनी मदद की है इस केस में आपकी, है ना? हाँ, बहुत मदद की है आपने हमारी। अब हमारी बारी है आपकी मदद करने की। पूर्वी, सुराग की सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। कुणाल के बाजू में वो अजीब सी खरोच याद है? अच्छा, ये खरोच के निशान हमें खूनी तक पहुंचाएंगे? हाँ बस, ये तीनों खरोच के निशान एकदम सीधी लाइन में, और इनके बीच की ये जो दूरी है ये भी समान है। ये जो पहली और तीसरी लाइन है ये बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो बीच वाला निशान है ये बाद में शुरू हुआ है और आगे तक गया। एक बात तो साफ है कि ये खरोंच के निशान नाखून से नहीं बने हैं। ये बीच वाली जो उंगली है, ये इन दो उंगलियों से या तो लंबी होती है या फिर समान होती है, छोटी तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है सर, खूनी ने अपने उंगली पे या हाथों में कुछ ऐसा पहन रखा था जिसकी वजह से ये निशान बने हैं। यानी उंगली में कुछ ऐसी चीज पहनी हुई थी जो घुमा दी जाए तो वो हथेली के अंदर आ सकती है। अमृता, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुमने कुणाल को उसके किए की सजा मिलनी ही थी, वो मैंने दे दी। सर, वो एक धोखेबाज इंसान था, धोखा दिया था उसने मुझे। मेरे कई बार समझाने के बाद भी उसने शायना को नहीं छोड़ा। मैं क्या करती? और ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, हत्या और चोरी एक दिन हो गई। तुम्हारा पति धोखेबाज था तो तुम उससे तलाक ले लेती, छोड़ देती उसे, पर नहीं, तुमने तो उसकी जान ही ले ली। बहुत गलत किया तुमने, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.